चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने आज हमारी पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो है कोरोना वायरस की चपेट में कौन से देश जो कि ज्यादा आए हैं। यहाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको विस्तार तरीके से बताएंगे कि जो है तीन ऐसे देश जो कि कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी जान लेना आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस जानकारी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक खबर हम आपको विस्तार तरीके से बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही और जो है लेटेस्ट अपडेट जो है न्यूज देता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि कोरोना वायरस की चपेट में कौन से देश कितने ज्यादा और कहां की कितनी जो है डेथ हो चुकी है, सारा कुछ बताएं। जी हां दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस की चपेट में इटली सबसे नंबर वन पर था। वहीं पर दोस्तों, आज जो है अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5000 के पार हो चुकी है और जो है 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं पर 4475 लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है जो कि संक्रमित लोग पाए। इसी को लेकर दोस्तों, दूसरे नंबर पर इटली आ चुका है कोरोना वायरस की चपेट में। तो चलिए दोस्तों, हम इटली के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इटली में कोरोना वायरस के कितने लोग जो है शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इटली में एक दिन में 727 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में 47,231 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी है। यहाँ दोस्तों, वैसे तो इटली नंबर वन पर था जो है कोरोना वायरस की चपेट में, वहीं पर अमेरिका सबसे नंबर वन पर आ चुका है और तीसरे नंबर पर कोरोना वायरस की चपेट में हमारा इंडिया आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 235 नए मामले आए हैं, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 2069 हुई है और अब तक जो है 53 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, जो कि हमारी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो कोरोना वायरस ने दोस्तों आज जो है हमारी दुनिया में बिल्कुल तबाही मचा कर रख दिया है। जो कि दोस्तों, मैं आपको बताऊं, स्पेन में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोग दोस्तों संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के वुहान से शुरू हुए इस कोरोना वायरस ने आज हमारी पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी है, जिससे आज हमारी इंडिया पूरा का पूरा लॉकडाउन पड़ा हुआ है और आज हमारे इंडिया का हर एक नागरिक काफी ज्यादा इससे परेशान है। जी हाँ, और आज हमारे इंडिया में हर एक नागरिक जो कि अपने घर में कैद है, जो कि उसकी एक मजबूरी है। यहाँ पर इटली, स्पेन और अमेरिका में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना वायरस पर अभी तक कोई दोस्तों कंट्रोल और इलाज नहीं पाया गया। तो जी हाँ दोस्तों, तीन देश जो कि कोरोना वायरस की चपेट में ज्यादा आ चुके हैं, जो कि सबसे नंबर वन पर है अमेरिका और जो है दूसरे नंबर पे है इटली और तीसरे नंबर पे है हमारा इंडिया। कोरोना वायरस की चपेट में तीन देश सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी बताना चाहता था कि कौन से देश कोरोना वायरस की चपेट में कितना तेजी से आगे चल रहे हैं और कहाँ के लोग कितनी मौतें हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो मैंने जानकारी बताई, तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएँ, जिससे मैं आपको ऐसे ही और जानकारी देता रहूँ। तो थैंक्स माय यूट्यूब फैमिली।